यूपीएससी सीएससी 2023 के सीसेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 11, 22, 23, 24 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार की विषम अंक जो है वो विषम स्थानों पर हों और सम अंक जो है वो सम स्थानों पर हों। तो 8 अंकों की बात की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे जो विषम अंक हैं वो विषम स्थानों पर होने चाहिए, मतलब ये पहला, तीसरा, पांचवा और ये सातवां, यहाँ पे क्या आएगा, विषम अंक, राइट। और सम अंक सम स्थानों पर, मतलब इन पर सम अंक आएंगे, सम अंक, राइट। अब सबसे पहले हम विषम अंकों की बात करें तो विषम अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 फैक्टोरियल, और ये रिपीटेशन में है, है ना, 11 और 33, तो 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही सम अंकों की बात करें तो ये भी ऐसी हैं, 22 और 44, मतलब ये भी 4 हैं और रिपीटेशन में हैं, तो 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, है ना, फिर 2 × 1 × 2 × 1 × ये अब सम वाले को देखें, 4 × 3 × 2 × 1, अब 2 × 1 × 2 × 1, यहाँ काट लेते हैं इसको, ये दो दो कटा, ये दो दो बार में, फिर ये दो दो कटा, ये दो बार में, कितना हुआ, 3 × 2 = 6 इंटू, इधर भी 3 × 2 = 6, मतलब 36, 6×6 = 36, तो 36 बनेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसमें दिया है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।